सुप्रभात। आज से हम 10+2 हिंदी का पहला पाठ आत्मपरिचय पढ़ रहे हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना, संसार रूपी बाधाओं को पार करना, संसार की चिंता न करना और हंसकर के इस संसार रूपी सागर को पार करने के बारे में बताया है कि जीवन के अंदर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें अपना जीवन अच्छी प्रकार से खुश होकर के जीना चाहिए। पहला पद इसका, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कहता कि मैं इस जीवन में संसार रूपी बोझ लेकर के लिए घूम रहा हूं फिर भी जीवन में प्यार के लिए फिर रहा हूं, फिर भी इस जीवन के अंदर प्यार को पाना चाहता हूं। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, जंकृत संगीत की आवाज, किसी ने संगीत की आवाज को सुना करके मेरे से उसको अलग कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं अपने जीवन में उन दो सांसों के संगीत रूपी तार लेकर के संसार के अंदर घूम रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान के करता हूं, सुरा मदिरा पान पीना, मैं मदिरा शराब आदि का सेवन करने वाला हूं अर्थात पीने वाला हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं कभी भी संसार के लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैं तो केवल अपना ध्यान रखता हूं, मैं संसार के लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको, संसार के लोग उनसे पूछ रहे हैं किन से, जो जग की गाते जो संसार के लोगों की बातें करते हैं। संसार के लोग उन लोगों से पूछ रहे हैं जो संसार की बातों को गाते हैं। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, मैं तो केवल अपने मन के भाव हैं उन्हीं को व्यक्त करता हूँ अर्थात मैं संसार के लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता, मैं तो केवल अपने मन की बातों को ही व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, उद्गार माने भाव, मैं अपने मन के भावों को लेकर के लिए संसार के अंदर घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय को एक उपहार के रूप में लेकर के संसार के अंदर घूम रहा हूँ अर्थात जो मेरा मन है वो एक जो मेरे मन के जो भाव है वो एक प्रकार की भेंट है, मैं उनको एक भेंट समझता हूँ। है ये अपूर्ण संसार, अपूर्ण जो अधूरा जो पूरा ना हो, ये संसार अधूरा है। मैं मुझको बाता, बाता मींस अच्छा लगना, ये संसार अधूरा है और मेरे को ये अच्छा भी नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपनी नई नई इच्छाओं वाला संसार लेकर के लिए घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, जला हृदय माने प्रेम की आग, मेरे मन के अंदर प्रेम रूपी आग जल रही है, दहा करता हूँ और उसी के अंदर मैं जलता रहता हूँ। मेरे मन के अंदर प्रेम रूपी आग लगी हुई है और उसी आग के अंदर मैं जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन, मगन माने खुश या मस्त, मैं सुख और दुख दोनों के अंदर खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ अर्थात सुख का और दुख का मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, जो संसार के लोग हैं वो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। मैं भाव मोजों पर मस्त भा करता हूँ, मैं तो अपनी प्रेम रूपी नदी में तैरकर ही संसार रूपी किनारे तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,
यौवन जवानी उन्माद पागलपन। मेरी जो जवानी है उसके अंदर एक प्रकार का पागलपन है और उस पागलपन को लेकर के मैं संसार के अंदर घूम रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद माने मस्ती, अवसाद माने दुख। उस मस्ती के अंदर भी मेरे एक प्रकार का दुख है, उस मस्ती में मुझे दुख दिखाई देता है। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, जो मुझको बाहर से हंसा रही है लेकिन जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरा मन है, वो रो रहा है। मैं हाय किसी की याद के लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद के लिए इस संसार के अंदर घूम रहा हूँ। अर्थात कोई ऐसी चीज है जिसको मैं याद करता हूँ और उस चीज को याद करने के लिए मैं बार बार संसार के अंदर घूम रहा हूँ। ये 10 है, इसके अंदर आपको आज ये 5 करवा दिए हैं। पांचों की आपने सहप्रसंग व्याख्या, कठिन शब्द इसके लिखने हैं और याद करने हैं। अगले जो 5 हैं वो आपको दोबारा फिर करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।